देवभूमि तपोभूमि उत्तराखंड के लिए आज बहुत ही पवित्र पावन दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इस पावन प्रदेश को, इस ज्योतिर्मय प्रदेश को पहली वंदे भारत का तोहफा दिया है, उपहार दिया है, और साथ ही साथ रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिसकी आगे प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि पूरा का पूरा उत्तराखंड 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क बन गया है। आप देखिए 2014 से पहले का पीरियड अगर हम देखें, 60 साल का कालखंड अगर हम देखें, उसमें 30,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, और ये पिछले 9 वर्ष देखें, 9 वर्ष में 40,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। तो हर तरह से पिछले 9 वर्षों में मोदी जी ने रेलवे का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन किया है। बहुत सारे एरिया है जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर 35 की स्पीड का लिमिट रहता है, उससे ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी नहीं चला सकते, और बहुत सारा ध्यान भी रखना पड़ता है क्योंकि सिंगल लाइन भी है कई जगह, जहाँ डबल लाइन होती है वहाँ पे स्पीड अच्छी मेंटेन कर सकते हो। तो बहुत सारे चैलेंजेस के साथ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कल सारे डिस्कशंस हुए हैं किस तरह से फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स को साथ में लेके एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें नेचर को भी कोई नुकसान नहीं हो और ट्रेन भी अच्छे से चले। बहुत अच्छा एक सिस्टम बना है दिल्ली अहमदाबाद के बीच में, जहाँ करीब करीब 150 किलोमीटर के आसपास के एरिया में एक डबल लाइन वाली फेंसिंग लगाई है। उस फेंसिंग के बाद में उस एरिया में कैटल एक्सीडेंट ज़ीरो हो गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इनोवेशंस चल रहे हैं, ट्रैक का अपग्रेडेशन भी चल रहा है। आप देखिए देश में पुराने ट्रैक्स 70-80 KMPH के डिज़ाइन के थे, एकदम कंसिस्टेंट वे में सब जगह काम करके मिनिमम 110 ला रहे हैं। बहुत सारे ट्रैक्स 130 के रहेंगे, 130 KMPH के, और बहुत बड़ी संख्या में करीब करीब 25,000 से 30,000 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस रखेंगे, जो कि 160 KMPH पे अपग्रेड हो रही है। तो रैपिडली रेलवे का प्रोग्रेस हो रहा है। दो बड़े डिज़ाइन अच्छे चल रहे हैं, एक तो वंदे स्लीपर का और दूसरा वंदे मेट्रो का। तो 100 किलोमीटर से कम डिस्टेंस के लिए वंदे मेट्रो रही जाएगी, 100 से 550 तक रखी जाएगी वंदे भारत यानी चेयर कार, और 550 से ऊपर की रखी जाएगी वंदे स्लीपर, जो कि स्लीपर कार बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनी है। जब आप उस डिज़ाइन को देखोगे तो आप वास्तव में अपने मन में आनंद का अनुभव करोगे कि कैसे एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन की डिज़ाइन मोदी जी कर रहे हैं। तो वो सारा साथ ही साथ हाइड्रोजन ट्रेन भी बन रही है, जो अगले मार्च अप्रैल तक, फरवरी मार्च तक वो भी पटरियों पर दौड़ने लगेगी। तो टेक्नोलॉजी, पैसेंजर्स का कम्फर्ट, सेफ्टी, कम समय, इन सबको ध्यान में रखते हुए रेलवे का डेवलपमेंट।